हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल सागर इलेक्ट्रिकल रिपेयर नंबर में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें है टू वे स्विच के कनेक्शन। पहले तो आप ये समझ लीजिए दोस्तों, टू वे स्विच किस प्रकार का होता है। टू वे स्विच दोस्तों इस प्रकार का होता है, इसमें तीन पॉइंट दिए होते हैं। और दोस्तों इसका वर्क ये होता है, आप जैसे कि ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं और आप थर्ड फ्लोर पर जा रहे हैं, आपको नीचे से ही पूरे जीने में लाइट ऑन करनी है, तो आप इधर से ऑन कर देंगे और ऊपर जाके इस स्विच से बंद कर देंगे। इसे बोलते हैं दोस्तों टू वे स्विच। आप नीचे से बंद करेंगे, ऊपर से खोल सकते हैं, ऊपर से बंद करेंगे, नीचे से खोल सकते हैं। इसका वर्क ये होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले मैं आपको थ्योरी की गाइड से समझा देता हूँ। थ्योरी की मदद से ये हमने छोटा सा एक थ्योरी बनाई है। ये स्विच है दोस्तों हमारा, जैसे कि इसमें तीन पॉइंट है, ऐसे ये स्विच है, इसमें तीन पॉइंट है और ये हमारा बीच वाला होल्डर है। दोस्तों पहले पॉइंट में हमने न्यूट्रल लिया है, न्यूट्रल फर्स्ट वाले पॉइंट से लेंगे और स्विच के फर्स्ट वाले पॉइंट में न्यूट्रल ही देंगे, और जो सेकंड पॉइंट है उससे हम एक वायर लेंगे वो होल्डर में देंगे, जो होल्डर को सप्लाई देगा। और ऐसे सेकंड स्विच से एक वायर लेंगे बीच वाले पॉइंट से, केवल दोनों ही स्विच में आपको सिर्फ बीच वाले पॉइंट का यूज़ करना है होल्डर में कनेक्शन देने के लिए। ऐसे ही इस होल्डर को यहाँ हम लाइन दे देंगे। और दोस्तों बचा थर्ड पॉइंट हमारा स्विच का, इसमें हम यहाँ से एक वायर लेंगे, इसमें हम फेस कनेक्ट करेंगे। और दोस्तों इसके अंदर टू वे स्विच के अंदर एक मेन चीज़ होती है, आपने जिस पॉइंट पे फेस दिया है स्विच के, दूसरे स्विच पे भी आप उसी पॉइंट पे फेस देंगे। अगर न्यूट्रल दिया है तो उस पर न्यूट्रल देंगे। ठीक है दोस्तों, आई रिपीट, जिस पॉइंट पे आपने न्यूट्रल दिया उस पर न्यूट्रल दे, जिस पे फेस दिया उस पर फेस दे, इसका ध्यान रखना। ये इसमें इस कनेक्शन की बारीकी है, और कुछ नहीं होता। और दोस्तों सप्लाई की बात, इस स्विच को हम सप्लाई कैसे देंगे, आप दोस्तों फेस यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, या न्यूट्रल यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, या इनके पॉइंटों में भी कनेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ भाई आप फिटिंग किस हिसाब से कर रहे हैं, आपके आसपास लाइन कहाँ है, वो आप उस सिचुएशन को देखते हुए कनेक्ट कर सकते हैं। आप इधर भी कनेक्ट कर सकते हैं, इधर भी वो लाइन ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आप बीच में भी कट करके कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। चलो दोस्तों बिना देरी के हम प्रैक्टिकल करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने दो वायर ले लिए हैं, ब्लैक और येलो। इसकी मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ये हमारा प्रैक्टिकल है दोस्तों। और मैं इस बल्ब को ऑन ऑफ करके दिखाऊंगा। दोस्तों हमारा जो स्विच का फर्स्ट पॉइंट है, इसमें हमने यहाँ इस वायर को, ब्लैक वायर को टेस्टर की मदद से लगा दिया है, ये देखिए आप। अभी दोस्तों हमारा सेकंड स्विच है, इस वायर को भी हमने यहाँ लगा दिया है। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से लग जाएगा ये। उसके बाद इसके नीचे वाले पॉइंट में दोस्तों, ये हमारा न्यूट्रल है, ब्लैक वाला फेस है, वो आप कोई सा भी ऊपर नीचे न्यूट्रल फेस कोई सा भी जोड़ सकते हैं। बट इसकी एक ही कंडीशन है, आपने जिस पॉइंट में फेस दिया उसमें फेस ही दें जिसमें न्यूट्रल जोड़ा उसमें। इसलिए मैंने आपको दोस्तों अलग अलग रंग के लिए अलग रंग लिया है। ऐसे ही दोस्तों आप अगर कभी घर पर कनेक्शन करते हैं या किसी प्रकार की वायरिंग करते हैं, तो आप हमेशा अलग अलग रंग के लीजिए। और दोस्तों एक चीज़ जरूरत है, अगर आप अलग अलग रंग के वायर नहीं ले पा रहे हैं तो टेप खरीद लीजिए, अलग अलग रंग की, किनारों पे आप अलग अलग रंग की टेप लगा लें, जिससे आपको कनेक्शन पहचानने में आसानी होगी। ये देखिए दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट में, इसके फर्स्ट पॉइंट में हमने ब्लैक वायर दिया है, इसके सेकंड लो थर्ड पॉइंट में येलो। अब बचे दोनों हमारे बीच के पॉइंट। दोस्तों ये हमारा दोस्तों होल्डर है, एक पॉइंट में, बीच वाले पॉइंट में दोस्तों इसका एक वायर देंगे, ये देखिए दोस्तों मैंने एक इधर दे दिया है। और ये बचा इसका सेकंड वायर, इस वायर को हम स्विच के बीच वाले पॉइंट में इधर कनेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों आप कहेंगे कि इसे चलाएंगे कैसे, क्योंकि सारे पॉइंट तो हमारे फुल हो गए, लेकिन मैंने आपको दोस्तों बताया था, अब इसे बारी है हमारी सप्लाई देने की। आप सप्लाई इन दोनों तारों में भी दे सकते हैं, इस साइड से, या इस साइड से भी जोड़ सकते हैं, या बीच में से भी। तो दोस्तों एक मैंने मॉडल बनाया है छोटा सा, जब आप स्विच के कनेक्शन करेंगे तो ये जीने के, आपको पता ही है आप कितनी हाइट होती है, लंबी तारें होती हैं, तो आप कहीं भी जहाँ आपका पॉइंट मेन कनेक्शन होगा आप हमारे से जोड़ सकते हैं। चलिए मैं इसमें अपनी सीरीज की तारें कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो हमारे कनेक्शन रेडी है, ये देखिए दोस्तों, ये हमारी सीरीज वायर है। अक्सर आप मेरे चेक करते हुए कनेक्शन में देखते होंगे, ये देखो दोस्तों मैंने इस तरफ स्विच के मेन पॉइंट दे दिया है। अब ये देखिए दोस्तों, हमारे येलो में है फेस, ये देखिए टेस्टर जल रहा है, और इधर भी देखो फेस ही है, देखो दोस्तों हमारे थर्ड पॉइंट में, इसमें न्यूट्रल है जिसमें टेस्टर नहीं जलेगा। ये देखिए दोस्तों, दोबारा देख लेते हैं दोस्तों, टेस्टर पे आप जूम करके दिखाइए, टेस्टर जल रहा है, ये देखिए दोस्तों। ओके,
और ये देखिए दोस्तों सीरीज का एक पॉइंट हमारा इसमें है, मतलब आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं पर मैं सीरीज में चेक करके बता रहा हूँ आपको। ये डायरेक्ट लाइन हमने यहाँ दी हुई है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये देखो ये लगा हुआ हमारा स्विच। अब दोस्तों हम इसे आपको इसका दिखाते हैं सर क्या यूज़ होता है। ये देखिए दोस्तों हमने स्विच यहाँ से खोला, हमारा बल्ब देखिए दोस्तों ग्लो करने लगा जैसे ही किया। अब ये दोस्तों हमारा थर्ड मंजिल पर स्विच है, आपने यहाँ से खोल दिया, आप थर्ड मंजिल से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ गए। अब आप स्विच बंद करने ऊपर तो जाओगे नहीं, उसके लिए क्या होता है आपको नीचे ये स्विच लगा होगा टू वे स्विच, इससे आप यहाँ से जब ग्राउंड फ्लोर पर आ जाएंगे इसे बंद कर देंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ से बंद भी हो गया। अब दोस्तों आप आए दोबारा ग्राउंड फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर से आपने आपको जाना थर्ड फ्लोर पर, आपने यहाँ से इसे ऑन किया। जब दोस्तों आप थर्ड फ्लोर पर चले जाएंगे आप इसे यहाँ से ऑफ़ कर देंगे। ये देखिए दोस्तों किस तरीके से वर्क कर रहा है, इधर से ऑन करते हैं, इधर से ऑफ़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ऑन हो गया, इधर से इसे ऑफ़ कर सकते हैं, ये देखिए। और इसको यहाँ से भी ऑन ऑफ़ कर सकते हैं, एक ही स्विच से नीचे से भी ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। इसके कनेक्शन दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे। इस दोस्तों इस वीडियो का मैंने टारगेट 50,000 व्यू रखा है दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। दोस्तों हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो देखने के लिए कमेंट में हमें भेजा आपको किस तरीके की वीडियो पसंद है। और दोस्तों अगर आप लाइक कमेंट और शेयर करेंगे हमारा हौसला बढ़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।